हाय फ्रेंड्स वेलकम टू माय चैनल और आज मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ सिंदूर हेयर स्टाइल और इस हेयर स्टाइल में मैं तीन लुक क्रिएट करके दिखाऊंगी विद सिंदूर एंड ये हेयर स्पर इंस्पायर है आप थंबनेल में देख के समझ गए होंगे मैं किसका हेयर स्टाइल करने वाली हूँ ये एक सेलिब्रिटी इंस्पायर हेयर स्टाइल है जो कि मुझे काफ़ी अच्छा लगा और मैंने सोचा ये आने वाले करवा चौथ या किसी भी पार्टी या फंक्शन में आप जा रहे हैं लहंगा और साड़ी पहन रहे हैं तो ये हेयर स्टाइल काफ़ी अच्छी लगेगी इसीलिए मैं आपके साथ सिंपल तरीके से शेयर करने वाली हूँ कि आप किस तरह अपने बालों में बना सकते हैं तो चलिए स्टार्ट करती हूँ हेयरस्टाइल अगर हेयरस्टाइल थोड़े से अच्छे लगे तो प्लीज़ लाइक करना ना भूलें तो फ्रेंड्स सबसे पहले मैंने अपने बालों को अच्छे से कॉम कर लिया है देन मैं यहाँ पर बीच की मांग निकाल रही हूँ उसके बाद मैंने कान के पास से बालों का सेक्शन सेपरेट किया है आप देख सकते हैं वीडियो में मैंने किस तरह से दोनों ही साइड जो एयर टू एयर पार्टिंग कर ली है और थोड़े थोड़े बालों का सेक्शन निकाल लिया है और यह हेयरस्टाइल पतले बालों में भी बहुत ही आसानी से बना सकते हैं न जो सेक्शन निकालें उसको मैं सेपरेट कर ले रही हूँ ताकि नेक्स्ट स्टेप करूँगी तब ये यूज होंगे तो इसलिए अभी टिक टैक पिन की हेल्प से इस तरह से सेपरेट कर दें ताकि पीछे मर्ज ना हो और नेक्स्ट स्टेप करने में ईजी रहे फिर मैं इस तरह से क्राउन एरिया से बालों के सेक्शन ले रही हूँ इसकी हेल्प से मैं बनाऊंगी पफ अगर आप चाहें तो बैक कॉम कर सकते हैं बट मुझे ऐसा लगता है कि बम पिट ज़्यादा अच्छा ऑप्शन है बैक कॉम करने से अच्छा क्योंकि इस तरह से आपका जो पफ बनता है लॉन्ग लास्टिंग भी बनता है और काफी अच्छा और जल्दी बन जाता है इसलिए मैं यहाँ पर बम पिट यूज़ कर रही हूँ और यहाँ पर लार्ज साइज का बम पिट लिया है जो तो सेक्शन सेपरेट किया था क्राउन एरिया का वहाँ पर बम पिट से किया है और फिर से फ्रेंड से बालों को स्मूथ कर रही हूँ ताकि अच्छे से सेप मिल जाए बालों को और फिर जब पफ अच्छे से क्रिएट हो रहा है देन इसको सिक्योर करना है तो मैंने यहाँ पर टिकटैक पेन यूज़ करी सिक्योर करने के लिए अगर आप चाहें तो बॉबी पिन भी यूज़ कर सकते हैं बट अच्छे से सिक्योर करना है ताकि पफ हिले ना तो इस तरह से पफ बनाने से आपका पफ लॉन्ग लास्टिंग रहता है फ्लैट नहीं होता है अगर रुपट्टा या कुछ ऊपर रखते भी हैं सिर पे, तो ये बिगड़ने वाला नहीं है इसलिए मैंने यहाँ पफ इस तरह से सिक्योर किया है नाओ फ्रेंड से मैं बालों को जो पहले सेपरेट किया था बालों की लेयर उसको लेना है तो पहली लेयर ले रही हूँ और सिंपली कॉम करते हुए बैक साइड पर लेके जा रही हूँ तो थोड़ा इस तरह से लेके जाना आप देख सकते हैं वीडियो में सीधे नहीं थोड़ा ऊपर की साइड पे जहाँ पर सिक्योर किया है उसी के ऊपर हल्का सा रखना है और फिर सिक्योर करना है तो स्मूथ करते हुए बालों को रखना है ताकि बिल्कुल स्मूथ और क्लीन नीड एंड हेयर स्टाइल बने नीड एंड क्लीन हेयर स्टाइल बने सो दोनों ही साइड मैंने इस सेम बालों को पीछे जाके सिक्योर कर लिया है तो ये जो हेयर स्टाइल है सिंदूर लुक है तो जिनको जूड़ा बनाना पसंद नहीं है इसलिए उनके लिए फर्स्ट लुक मैं शेयर कर रही हूँ लाइक यहीं पर ये हेयर स्टाइल स्टॉप कर सकते हैं तो पहले मैं सिंदूर लगा के दिखा देती हूँ ताकि हेयर स्टाइल का लुक आपको पूरा एक्जैक्टली exactly समझ में आए कि ओपन हेयर के साथ ये हेयर स्टाइल कितनी सुंदर लगने वाली है तो मैंने यहाँ पर पाउडर फॉर्म का सिंदूर लगा लिया है आप चाहे तो पूरा भर सकते हैं मैंने थोड़ा सा भरा है क्योंकि मुझे लुक कम्प्लीट करना था और इस तरह से मैंने लगाया और देखिए फर्स्ट लुक ओपन हेयर के साथ कितना अच्छा लग रहा है नाव uh, में एक्चुअली जो मेन हेयर स्टाइल है वो जूड़ा बनाया हुआ था उन्होंने तो मैं भी सेम इसी तरह से जूड़ा बनाने वाली हूँ तो बैक साइड में आप चाहें तो सिंपल जूड़ा बना सकते हैं बट अगर लॉन्ग लास्टिंग नीट एंड क्लीन हेयर स्टाइल चाहिए तो इस तरह से डोनट बन की हेल्प से आप बनाइए तो यहाँ पर मैंने पोनीटेल सिक्योर करी है और मीडियम पोनीटेल सिक्योर करी है उसके बाद स्मॉल साइज़ का डोनट बन लिया है पोनीटेल में डाल दिया है इस तरह से और इसको सिक्योर कर दिया है डोनट बन को उसके बाद डोनट बन के ऊपर सारे बालों को फैलाया है ताकि वो कवर हो जाए और आप वीडियो में देख पा रहे होंगे मैंने किस तरह से एक रबर बैंड डाली है बालों को सिक्योर करने के लिए डोनट बन के ऊपर और बचे हुए बालों को सिंपली रैप कर दिया है तो पूरा एक डिटेल में वीडियो मैंने डोनट बन को यूज करने का डाला हुआ अगर आप चाहें तो वो भी चेक कर सकते हैं या फिर बिना डोनट बन के गोल जुड़ा किस तरह बना सके वो भी मैंने वीडियो शेयर किया है अगर आप चाहें तो चेक कर लिए तो देखिए बैक साइड से कितना नीट एंड क्लीन हेयर स्टाइल बन गया है एंड फ्रेंड से लुक कम्प्लीट करने के लिए मैं पर येलो फ्लावर यूज कर रही हूँ तो मेरे पास थोड़े ही फ्लावर थे इसलिए मैंने हाफ साइड में लगाया है कुछ इस तरह से आप चाहे तो पूरा गजरा लगा सकते हैं या फिर पूरे में बाल बालों में इस तरह से येलो फ्लावर लगा सकते हैं तो येलो फ्लावर के साथ भी हेयर स्टाइल अच्छा लग रहा है सिंदूर लुक है ये तो देखिए कितना प्यारा सा लुक आ गया साड़ी और लहंगे में ये हेयर स्टाइल बहुत ही अच्छा लगने वाला है और बहुत ही ईजी तरीके से मैंने आपके साथ शेयर किया है तो ये है सेकेंड लुक थर्ड लुक मैंने ये एक्चुअली करवा चौथ या फिर वेडिंग स्पेशल हेयर स्टाइल है तो अगर मांगटीका आप लगाना चाहते हैं तो ये इस तरह से लगा सकते हैं और या फिर अनमेरिड लोग हैं जो ये हेयर स्टाइल जिनको पसंद है तो वो भी ये कर सकते हैं तो इस तरह से मांगटीका लगाइए और देखिए लुक कितना सुंदर सा आ गया है तो तीनों में ही लुक देखिए अलग अलग आया है एक ही सिंदूर हेयर स्टाइल है बट तीन लुक क्रिएट कर सकते हैं आप और ये है सेल अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक करना शेयर करना और चौथ या दिवाली आप कभी भी इसको कर सकते हैं और बहुत ईजी है सिंपल है होप आप लोग को पसंद आएगी फ्रेंड पसंद आए तो लाइक करना ना भूलें ना भूलें मिलती हूँ नए वीडियो में बाय बाय